गाइस वो है हमारा गांव टॉप पे जाके, और वो देखिए सामने पंजाब। और पंजाब में तो जैसे आप देख सकते हो कि रेनबो भी बन चुका है, अभी आपको ध्यान से दिख रहा होगा। लेकिन हमारे इधर अभी हल्की हल्की बारिश चल रही है, और कुछ ही टाइम में बारिश होने वाली है। और देखिए उस साइड तो बारिश हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो रेनबो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 1 तारीख यानी कि 1 जून 2021, और कल का हमारे कठुआ में लॉकडाउन खुल चुका है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और आज मैं मम्मा की दवाई लेने जा रहा हूँ सिटी में, तो बने रहे व्लॉग में। A few moments later. अभी मैंने दवाई वगैरह ले ली, और ये कुछ सामान रखा है पीछे, ये भी लिया, और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। वो देखिए सामने GMC कठुआ की बिल्डिंग बनी है। 2 hours later. तो अभी मौसम है यार, मैं आपको क्या ही बताऊँ, छत पे जाके दिखाता हूँ आपको कि अभी का मौसम कैसा है। तो चलते हैं। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं ब्लॉग शाम से कंटिन्यू कर रहा हूँ। गाइस जैसा कि आपने देखा कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ऑसम है आज, तो इसलिए मेरा मन किया कि अभी से ब्लॉग शुरू कर दूँ। दोस्तों ये देखिए कुछ पुराना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा सबसे पहला टीवी है। इस टीवी में मैंने आज तक कोई भी सीरियल नहीं देखा, मतलब इसको मैंने कभी चलता हुआ देखा ही नहीं, ये तब से ख़राब है। इसके बाद हमने एक और टीवी लिया था, उसके बाद एक और लिया, और अभी उसके ख़राब होने का इंतज़ार कर रहे हैं LED लेने के लिए। सब्जी बनाने के लिए मेरा नंबर चढ़ा है नहीं कि गाइस मेरे को सबसे ज्यादा आलू बनाने आते हैं, इसलिए मैंने आलू की सब्जी बनाई आज। The next day. गाइस अभी मैं नहा के आया हूँ, और अभी हमारे इधर पास में एक शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पे थोड़ी पूजा करके आते हैं, और उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। बाकी गाइस काफ़ी सारे भाइयों को ये शिकायत रहती है कि आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती वीडियोस में, मेरी मतलब कि वॉइस प्रॉपरली नहीं आ पाती, क्योंकि यार फ़ोन का माइक इतना अच्छे से कार्ड नहीं कर पाता वॉइस को। तो गाइस उसके लिए मैं माइक लेने के लिए सोच रहा था, और साथ में ये देखिए जिससे मैं शूट करता हूँ सेल्फी स्टिक, ये भी काफ़ी ज़्यादा शेक करती है, तो मैं मोनोपोड लेने के लिए भी सोच रहा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि मैं कौन सा माइक लूँ और कौन सा मोनोपोड लूँ, तो फिर मैं उसी हिसाब से ले लूँगा। दोस्तों शाम को मैं ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मेरे पास तारों में से आवाज़ आई, और जब मैंने देखा तो वहाँ पे एक पक्षी काफ़ी ज़्यादा तड़फ रहा था, जिसको करंट लग चुका था और उसका पांव तारों में फंस चुका था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था तभी, लेकिन फिर भी मैंने डंडा लेके इसको नीचे उतारा, लेकिन तब तक ये मर चुका था, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ गाइस, क्योंकि ये मेरी दुकान के पास जो तारे हैं यहाँ पर कोई ना कोई आए दिन पक्षी मरा हुआ मिलता है, और ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है, क्योंकि ना ही हम कुछ इसका इलाज कर सकते हैं। फिर मैंने इस पक्षी को उठा के साइड पे थोड़ा रख दिया, तो गाइस इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा आज इस पक्षी को ऐसे मरता हुआ देख के, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वैसे आराम में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार वो पक्षी तो मर गया, लेकिन उसका वो वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को तभी वो दिख गया और वो वीडियो में भी शूट हो गया। फिर गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना आप ऑडियंस को भी दिखाऊं कि कैसे यहाँ पे आए दिन पक्षी मरते हैं, और उनको देख के कितना बुरा फील होता है। और गाइस आप लोग भी कोई बेगाने नहीं हो, आप जो मेरे सब्सक्राइबर हो वो मेरी फैमिली की तरह ही हो, और जो नए देख रहे हैं वो भी आज जल्दी जल्दी आके छोटी सी फैमिली में ऐड हो जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा के, ताकि हमारी ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाए। तो Thank you.
गाइस, COVID-19 हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तो कंट्रोल में ही है। बाकी आपकी स्टेट्स में कैसा है वो कमेंट करके बताएं। बाकी घर पे रहिए, थोड़ा सेफ रहिए और कोरोना प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, और अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो लगवा लीजिए। बाकी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।